अस्सलाम वालेकुम। आपके इस चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वंस अगेन आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि TGS द गेमिंग स्टोर हमेशा से आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेके आता है। तो आज फिर पेशे खिदमत है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ, जो कि है एक कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की। और इस गेमिंग पीसी बिल्ड में जो कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इंट्रोडक्शन की जानब से बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिनेमैटिक शॉट नहीं देखे तो उनको एक दफ़ा फिर देखिए। मोर ओवर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ के लिए अगर आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इनके इंट्रो की तरफ कि इस पीसी बिल्ड के अंदर हम कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है LGA 1200 सॉकेट का, जिसका मॉडल है 10400। तो ये हम यूज़ करेंगे अपनी इस पीसी बिल्ड के अंदर। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो Samsung ब्रांड की जानिब से 500 GB की NVMe है, जिसका मॉडल है 980। तो ये हम यूज़ करेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड जो है वो NVMe है, जिसकी रीड स्पीड अप टू 3500 Mbps और राइट स्पीड जो है वो अप टू 3200 Mbps के अराउंड है। बहुत ही एक्स्ट्रा फास्ट है ये। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो आप देख सकते हैं कि Corsair Vengeance RGB Pro Intel XMP सर्टिफाइड DDR4 8x2 स्टिक्स जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ बस स्पीड के साथ हैं। टोटल 16 GB ऑफ मेमोरी जो है वो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। और हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो स्टोरेज है, जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि Seagate Constellation ES3 4 TB की हार्ड ड्राइव है, जो हम अपनी इस पीसी बिल्ड के साथ यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम्स फॉर वॉर की जानिब से GW900 मॉडल का ये CPU कूलर, जो कि बेसिकली 6 हीट पाइप्स के साथ है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट इसके अंदर फीचर्स हैं। और अगर आपने आपको ये भी बताते चलें कि अगर जो भी आपको कंपोनेंट इस पीसी बिल्ड में दिखाए जा रहे हैं, इन तमाम की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जो है वो टेक्निकल रिव्यू हमारे चैनल पे डिटेल्ड मौजूद है। आप चाहें तो डेडिकेटेड वीडियो की शक्ल में उसको भी देख सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास CPU कूलर जो इस पीसी बिल्ड में हम यूज़ करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की जानिब। तो जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ये है MX5 आर्कटिक आइस की जानिब से MS5 थर्मल पेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। तो इसको हम जो है वो इस पीसी बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ASRock ब्रांड की जानिब से B460 Pro4, और ये जो है वो मदरबोर्ड हम इस पीसी बिल्ड में यूज़ करेंगे। और इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो जो है वो अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आपको दिखाते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है जी Redragon ब्रांड की जानिब से RGPS 600W, जो कि 600 वाट की 180+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड APFC के साथ एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन के साथ फुल रेंज ये पावर सप्लाई है 600 वाट। तो इसको हम यूज़ करेंगे इसमें। और इस जानिब आप देख सकते हैं Cooler ब्रांड की जानिब से डार्क ब्लेडर X7 ट्रांसल्यूसेंट ब्लैक, जो कि सामने है आपकी, और इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो अनबॉक्सिंग और रिव्यू की हमारे चैनल पे अपलोडेड है, चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। तो ये है जी वो तमाम कंपोनेंट्स जिनके साथ आज का हम पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं जी, इस बिल्ड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ASRock ब्रांड की जानिब से B460 Pro4 मदरबोर्ड हमारे पास मौजूद है, जो कि जेन्युइन US इम्पोर्टेड मदरबोर्ड है। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट्स जो है इनका ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका बुकलेट है, कुछ साटा केबल्स, यहाँ पे बैक आईओ शील्ड। और आपको बताते चलें कि ये मदरबोर्ड जो है वो 2 NVMe को सपोर्ट करता है, लिहाजा 2 डिफरेंट हमारे पास M.2 सीक्यू मिलते हैं हमें इसके अंदर से, और एक जो है वो एडिशनल स्टैंड ऑफ भी मिलता है। ये ASRock की DVD है और उसके साथ दिस इज़ द मदरबोर्ड इटसेल्फ। तो ये आप देख सकते हैं कि LGA 1200 सॉकेट के साथ एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई डिसेंट ज़बरदस्त किस्म का बहुत अच्छे हीट सिंक्स और VRMs के साथ ये मदरबोर्ड है, जिसको आज हम यूज़ करने वाले हैं इस पीसी बिल्ड में। तो चलिए सबसे पहले इस मदरबोर्ड को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारा बहुत ही डिसेंट फुल 80X मदरबोर्ड आर्मर स्लॉट के साथ, जिसमें डुअल NVMe का ऑप्शन मौजूद है और बहुत अच्छे हीट सिंक्स और VRMs के साथ है ये। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एज शोन अर्लियर कोर i5 10th जनरेशन 10400 मॉडल प्रोसेसर। तो इसको यहाँ से जो है वो सील कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसके अंदर से ये बुकलेट मिला है हमें, कुछ टेक्निकल डिटेल्स, और यहाँ पे ये स्टॉक कूलर मौजूद है जिसको हम इस बिल्ड में यूज़ नहीं करेंगे। और इस जानिब जो है ये मौजूद है हमारा कोर i5 10th जनरेशन प्रोसेसर 10400, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे LGA 1200 सॉकेट, इस लैच से पकड़ के इसको स्लाइटली ऊपर उठाएंगे और ये जो इसकी 1200 सॉकेट है ये रिवील हो जाएगी। और इस साइड पे जो है ये हम आहिस्तगी से अपने इस प्रोसेसर को ओपन करेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रायंगल जो है, यहाँ पे गोल्डन कॉन्टैक्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे वाज़े तौर पे, इसको अब हमने सिंक्रोनाइज़ करना है इस मदरबोर्ड की सॉकेट के साथ। तो इसके साथ इसको सिंक्रोनाइज़ करके तो हम बहुत इजीली इसको, जैसा कि आपने देखा कि सॉकेट जो है उसने ख़ुद ब खुद इसको कैप्चर कर लिया और किसी किस्म का हमें इसमें फ़ोर्स लगाने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही आप इसको आराम से अपनी पोजीशन पे रखते हुए वापस इसको लॉक कर देंगे। एंड यू कैन सी दिस वन हैज़ पॉप्ड आउट। तो हमारा प्रोसेसर हो चुका है जी इंस्टॉल्ड। तो अब बढ़ते हैं रैम्स की जानिब और इन तमाम एसेसरीज़ को जो है वो वापस पैक कर देते हैं, जो भी कंपोनेंट हमारे बचे हैं। सो ये हैं जी वो रैम्स एज शोन अर्लियर कॉर्सेर वेंजेंस RGB Pro 3200 मेगाहर्ट्ज़ 8x2 स्टिक्स। तो इनको अब हम सील ओपन कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, एफिशिएंट एंड मोस्ट डिमांडेड रैम्स को निकालते हैं। एज यू कैन सी दीज आर वेरी ब्यूटीफुल केस लेटेंसी 16 के साथ कॉर्सेर वेंजेंस RGB Pro। और यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ द फैक्ट कि आप इसको ये जो ये ओपन कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं यहाँ पे इसको टच नहीं करेंगे प्रेफरेबली। तो इसको करते हैं इंस्टॉल। यहाँ पे आपको करीब से इसका व्यू दिखा देते हैं। तो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल दे आर। अब इनको करते हैं हम फिक्स इनकी 1.3 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और एक डबल क्लिक साउंड आपको आई होगी, जिसका ये मतलब है कि ये रैम जो है वो प्रॉपरली लॉक हो चुकी है। इन द सेम वे जो सेकंड रैम है इसको हम थर्ड स्लॉट के अंदर जो है वो फिक्स कर देंगे। और वंस अगेन आपको एक क्लिक साउंड आई होगी, जिसका मतलब ये है कि वंस अगेन ये प्रॉपरली लॉक हो चुकी है। तो अब फिक्स करते हैं हम अपनी ये 980 500GB की NVMe। तो इसको भी सील ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और ये है जी हमारे पास 980 Samsung की जानिब से। यहाँ पे आपको क्लोजली दिखा देते हैं। And you can see how efficient and beautiful it is 500GB कैपेसिटी के साथ। तो इसको अब हम करेंगे फिक्स। और इस NVMe को ये जो M.2 आर्मर स्लॉट आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हम फिक्स करेंगे। तो इनको अनसिक्रिव कर लेते हैं। तो इस आर्मर कवर को हमने उतार दिया है। नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर हीट शील्ड मौजूद है, जिसको हम यहाँ से हटा देंगे। और जो सेकंड स्टैंड ऑफ मदरबोर्ड के साथ मौजूद था, जो कि आपको पहले दिखाया गया, इसको हम इसकी प्रॉपर पोजीशन पे इंस्टॉल कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एडिशनल स्टैंड ऑफ हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इस NVMe को जो है वो इसके अंदर फिक्स करते हैं। और ये है इसका बैक साइड व्यू 980 500 GB। इसको जेंटली जो है वो इसके अंदर स्लॉट में फ़िक्स करके हल्का सा प्रेशर देंगे और आपको हल्की सी एक क्लिक आई होगी, जिसका ये मतलब है कि ये भी प्रॉपरली लॉक हो चुकी है। अब इसको जो है वो हम M.2 स्क्रू की मदद से फ़िक्स कर देते हैं। तो ये है जी वो इसका M.2 स्क्रू जो कि हमें इसके साथ मिला है। तो यहाँ पे इसकी मदद से इसको हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको स्क्रू टाइट कर देते हैं एंड इट्स प्रॉपरली लॉक्ड नाउ। और ये जो M.2 आर्मर शील्ड हमने तैयार करके पहले से रखी हुई है, इसकी लेमिनेशन हमने उतार दी थी, इसको जो है वो आप फिक्स करेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि ये M.2 शील्ड जो है ये एज एन एडिशनल हीट सिंक के तौर पे भी काम करती है। और ये हो गए ये M.2 आर्मर फिक्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे, और इसको सूटेबल टाइटनेस के साथ जो है वो हमने एडजस्ट कर दिया। अब हमारा मदरबोर्ड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ क्राफ्टेड। ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो इस स्टेज तक एटलीस्ट हमें रिक्वायर्ड था वो हमने इसके साथ जो है वो प्रॉपरली पेयर कर दिया। यहाँ पे आप खूबसूरत रैम्स देख सकते हैं, i5 10th जनरेशन देख सकते हैं, और इसके नीचे जो है वो आप देख सकते हैं, बल्कि नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो ज़ाहिर M.2 आर्मर के नीचे आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके अंदर हमने दफन किया है 980 500 GB सैमसंग की NVMe को। इस स्टेज पे जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मदरबोर्ड रेडी हो गया है। अब इसको करते हैं साइड पे और अब केसिंग जो है उसको हम लाएंगे और ओपन करेंगे, उसकी वायरिंग को ओपन करेंगे और फिर मज़ीद आपको अपने साथ रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा, आपको मज़ीद प्रोसेस जो है वो कंप्लीट पीसी बिल्ड का वो फर्दर दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डार्क ब्लेडर X7 ट्रांसल्यूसेंट ब्लैक, जिसको जो है वो अब हम आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे और आपके साथ नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करते हैं। तो ये है ये केसिंग डार्क ब्लेडर X7। यहाँ पे आप कूलर की ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे सामने। तो इसको हम इस पीसी बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये इंतहाई खूबसूरत, डिसेंट और ज़बरदस्त केसिंग कूलर डार्क ब्लेडर X7 ट्रांसल्यूसेंट ब्लैक। दूसरी जानिब से आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी टेम्पर्ड ग्लास साइड पैनल देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ग्लास जो है इट इज़ एज टू एज। तो ये है जिसकी टेम्पर्ड ग्लास की लुक, और ये है इसका टॉप पैनल जो कि टॉप पे माउंटेड है। और सामने जो है वो आप 360L लिक्विड कूलर के लिए स्पेस देख रहे हैं। ये डस्ट फिल्टर भी है एंड एट द सेम टाइम ये मैग्नेटिकली जो है वो इससे अटैच हो जाता है, एज यू माइट हैव नोटिस्ड। और ये है ये इसके सिंक की बैक साइड, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि 3 फ़ैन के लिए स्पेस जो है वो मौजूद है, और इधर वर्टिकल GPU माउंट की सपोर्ट भी मौजूद है। नीचे कुछ एसेसरीज़ हैं और सामने आप पावर सप्लाई बे देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये एलिवेटेड है अपनी जगह से और नीचे डस्ट फिल्टर भी मौजूद है। तो ये है वो केसिंग, ज़बरदस्त, डिसेंट, स्टाइलिश, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, जिसको आज हम अपनी इस पीसी बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। और इस सैनिक जो है ये आप देख पा रहे होंगे इसकी ARGB कंट्रोल हब। यहाँ पे कुछ केबल्स हैं जो कि ऑलरेडी केबल टाइज जिनके ऊपर कूलर की ब्रांडिंग है उसके साथ फिक्स्ड हैं। तो चलिए इनको अनलॉक करते हैं। यहाँ पे आप सामने 2 जो है वो SSDs के लिए स्पेस देख पा रहे होंगे। ये हार्ड ड्राइव ब्रैकेट है, और यहाँ पे आप वो एसेसरीज़ देख पा रहे हैं इंक्लूडिंग द बुकलेट जो कि वर्टिकल GPU माउंट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और ये वर्टिकल GPU माउंट को सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी इसमें स्क्रूज़ मौजूद हैं। ये आप इस केसिंग के अंदर का माहौल देख पा रहे हैं। सामने जो है वो 3 RGB फैंस जो है ये फिक्स होंगे, PSU श्राउड मौजूद है, और यहाँ पे ये पावर सप्लाई का कैबिनेट है। यहाँ पे एक जो है वो इसके अंदर एग्जॉस्ट ARGB ऑलरेडी मौजूद है। तो ये है जी इसके अंदर का माहौल। तो सामने आप देख सकते हैं कि स्टैंड ऑफ्स जो हैं ये डिफरेंट पोजीशन पे फिक्स्ड हैं। तो चलिए इनको उनकी प्रॉपर पोजीशन पे फिक्स करते हैं और फिर आगे आपके साथ नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पे आप वही टॉप पे मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर देख पा रहे होंगे और सामने जो है ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट एक शीट है जिसके पीछे जो है वो 3 ARGB फैंस इंस्टॉल होंगे। तो ये हैं वो 3 ARGB फैंस इंक्लूडिंग द कंट्रोलर हब एंड रिमोट जो इस पीसी बिल्ड के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं। और फ्रंट पे जो है ये 3 फैंस इंक्लूडिंग दियर किट हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये बॉक्स जो है ये भी आपको खोल के दिखा देते हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये एक रिमोट बरामद होता है, साथ कुछ स्क्रूज़ और इसके साथ साथ ये एक ARGB हब और कुछ और स्क्रूज़ और नीचे जो है वो 3 ARGB फैंस आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इनको इंस्टॉल करते हैं इनकी प्रॉपर जगह पे, जैसे कि केसिंग के फ्रंट पे आपको दिखाया गया था। तो फैंस आपको बाहर निकाल के भी दिखा देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे लुक लाइक। थंडर ब्रांड की जानिब से एयरमैक्स 9 हाइड्रोलिक बेयरिंग के साथ इंतहाई ज़्यादा ड्यूरेबल, अच्छे और ख़ूबसूरत फ़ैन हैं ये। तो ARGB भी हैं, तो चलिए इनको फिक्स करते हैं फिर आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ARGB फैंस जो है उनको हमने फ्रंट पे इंस्टॉल कर लिया और इन फैंस की जो लैंग्वेज है ये एग्जॉस्ट फ़ैन के साथ काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही है। यू माइट हैव नोटिस्ड कि एक ही तरह के ये आलमोस्ट फैंस हैं। एग्जॉस्ट वाला जो है ये ऑलरेडी कूगर ब्रांड की जानिब से प्री इंस्टॉल्ड था इसमें, जबकि 3 जो है वो हमने इसके अंदर एडिशनल इंस्टॉल किए हैं। एंड यू कैन सी दे आर फर्मली फिक्स नाउ। इसके ऊपर जो है ये डस्ट फिल्टर ये मौजूद है हमारे पास, जो कि वंस अगेन मैग्नेटिक है और इसको अब हम फिक्स कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर डस्ट फिल्टर मौजूद है और अब हम इसका फ्रंट पैनल जो है उसको भी फिक्स करते हैं। तो उस डस्ट फिल्टर के ऊपर जो है ये हमने फ्रंट पैनल को फिक्स कर दिया है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं। ये है जी हमारी डार्क ब्लेडर X7 और सामने जो वाइट कलर में आप देख पा रहे होंगे ये एक RGB स्ट्रिप है, जिसका ARGB स्ट्रिप है बल्कि जिसका एक अपना इफेक्ट है। और यहाँ पे ये जो शीट आप देख पा रहे हैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, जिसकी वजह से इसके नीचे जो फ़ैन हमने इंस्टॉल किए हैं उनका इफ़ेक्ट जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आएगा। इसी वजह से इसको ट्रांसल्यूसेंट कहा गया है। तो चलिए इसमें मदरबोर्ड फिक्स करते हैं और नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करते हैं। और इस जानिब से आपको दिखा दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रंट के 3 फ़ैन हैं उनकी कंट्रोलर हब मौजूद है, जबकि इस जानिब जो है वो हमारे पास पूरे सिस्टम की जो प्री इंस्टॉल्ड ARGB हब है वो मौजूद है। तो यहाँ पर आप इनकी कुछ देख सकते हैं कि कनेक्शंस जो है वो काफ़ी फैलना शुरू हो गए हैं। तो चलिए इसमें मदरबोर्ड जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है उसको सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको आगे दिखा। तो जैसे कि आपको वीडियो के शुरू में दिखाया गया था यहाँ पे हमारे पास इसका बैक आईओ पैनल मौजूद है। तो इसको सबसे पहले हम जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद जो है वो इसमें मदरबोर्ड फिक्स करेंगे। इसकी प्रॉपर स्टैंड ऑफ पोजीशंस को चेक करने के बाद एंड यू नीड टू डबल चेक द स्टैंड ऑफ पोजीशन एट दिस स्टेप, क्योंकि अगर कोई भी गलत पोजीशन पे मौजूद होगा तो उससे फौरी तौर पे मदरबोर्ड जो है वो डैमेज हो सकता है। एनीवेज लेट्स मूव और इसको बैक आईओ पैनल को हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है रेड्रैगन 600W RGPS 600W। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि इसके अंदर जो है वो APFC है, फुल रेंज पावर सप्लाई है ये 80+ ब्रॉन्ज रेटिंग के साथ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये है जी पावर सप्लाई। तो बढ़ते हैं इस जानिब और इस सील को यहाँ से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि ऑल्दो इट्स नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई, लेकिन इसके अंदर जो है वो तमाम केबल्स इसकी दे आर जस्ट लाइक द मॉड्यूलर पावर सप्लाई और नीली पीली केबल्स नहीं हैं बल्कि ये सिंपल ब्लैक कलर के अंदर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रेड्रैगन का बुकलेट निकलता है, उसके साथ कुछ इसकी ये वाली पावर कॉर्ड जो कि अच्छी बिल्ड क्वालिटी की है, साथ ही कुछ स्क्रूज एंड केबल टाइज। और दिस इज़ द पावर सप्लाई इट्सेल्फ। बिफोर वी हेड ऑन टुवर्ड द पावर सप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये एक रेड्रैगन का स्टिकर भी बरामद हुआ है। और ये है जी हमारे पास एक्चुअली पावर सप्लाई जो अब हम फिक्स करेंगे इस पीसी बिल्ड में, तो आपको खोल के भी दिखाते हैं इसको। ये है हमारी RGPS 600W। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसकी केबल्स जो हैं दे आर इन सिंगल ब्लैक कलर, ब्यूटीफुल और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल मटेरियल के साथ हैं। कुछ कनेक्टर्स जो इसके साथ मौजूद हैं। और इस जानिब RGPS 600W फुल रेंज APFC के साथ। तो ये है जी इसके ओवरऑल लुक। चलिए इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं बिफोर वी हेड ऑन टूवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ दिस पावर सप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इसका कनेक्टर है मेन ATX, और इससे आप थोड़ी देर नागन डांस भी देख सकते हैं चाहें तो। और इसका नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो ये दो, इसमें ये SATA कनेक्टर्स हैं और 4 SATA कनेक्टर्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इन टोटल जो है वो 6 SATA कनेक्टर्स के साथ है ये जो है वो CPU के लिए 4+4 कन्फिग्रेशन में, ये CPU पावर के लिए, और उसके साथ ये जो है वो PCI पावर के लिए यानी ग्राफिक्स कार्ड को पावर अप करने के लिए। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। और आपको ये भी बताते चलें कि ये PC बिल्ड जो है ये हम सेल के लिए रेडी कर रहे हैं, और अगर आप ये PC बिल्ड बाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये PC बिल्ड जो है वो एज सच, जैसा कि आपने देखा, तमाम कंपोनेंट्स इसमें ब्रांड न्यू यूज़ किए गए हैं, और तमाम कंपोनेंट्स के साथ आप सेम यही PC हमसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए इस पावर सप्लाई को इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पावर सप्लाई जहाँ पे हमने फ़िक्स करनी है, इसके अंदर 2 ऑलरेडी ये स्पोर्ट्स मौजूद हैं, जिनकी वजह से पावर सप्लाई जो है वो एलिवेटेड रहेगी और उसकी कूलिंग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। और नीचे डस्ट फिल्टर तो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पावर सप्लाई जो है इसको हमने फर्मली फ़िक्स कर लिया, और इस जानिब जो है इसके तमाम कनेक्टर्स सामने आप देख पा रहे होंगे। दूसरी जानिब जो है ये सिस्टम की वायरिंग है, और अब तक की ये टोटल ओवरऑल अपीयरेंस है। तो अब चलिए इसमें हमने 2 चेंजेस किए हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं कि इस पीसी बिल्ड में कौन सी 2 चेंजेस जो है वो की गई। पहली चेंज ये की गई है कि यहाँ पे कूलर मास्टर का T400 CPU कूलर, जो कि वी फाउंड इट मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड वन, इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया इस पीसी बिल्ड में। और इसकी ओवरऑल इंटरनल कंपोनेंट्स जो है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी तमाम एसेसरी बॉक्स है, जिसमें इसकी तमाम ब्रैकेट्स इंक्लूडिंग इंटेल राइजन, थर्मल पैड, थर्मल पेस्ट वगैरह। थर्मल पेस्ट तो खैर हम इसमें वही यूज़ करेंगे जो शुरू में आपको दिखाई गई है। ये इसकी तमाम एसेसरीज़ हैं। और दिस इज़ द CPU कूलर इटसेल्फ एंड यू कैन सी। और भाई यहाँ पे ये एक बुकलेट भी बरामद हुआ है इसके अंदर से, जिसमें इसका इंस्टॉलेशन मेथड और टेक्निकल डिटेल मौजूद होगी T400। और दिस इज़ द कूलर इटसेल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड एफिशिएंट इट इज़। इस जानिब जो है ये इसका ज़्यादा RPM वाला बड़ा फ़ैन है, जो कि बड़े एयर फ्लो के साथ है। इट मीन इट विल सक मोर एयर एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। ये इसका 4 पिन कनेक्टर है। तो चलिए इसको अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप इस जानिब से देख पा रहे होंगे कि हाउ वी हैव फिक्स दिस ब्रैकेट। ये इंटेल की ब्रैकेट को बैक साइड से इस तरीके से फ़िक्स किया गया है, जैसे कि क्लोज़अप में आप सामने देख पा रहे होंगे। आपको दूसरी जानिब से भी दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप इस जानिब से देख पा रहे होंगे कि इन विच वे दे हैव बिन फिक्स्ड। तो चलिए अब इस CPU कूलर को जो हमने यहाँ पे रेडी करके रखा है, इसको जो है वो फिक्स करते हैं। और इसका फ़ैन जो है वो टेम्परेरीली फिटिंग की वजह से उतार लिया गया था। और यहाँ पे आप पहुँचा है मोस्ट सेटिस्फाइंग स्टेप ऑफ दिस बिल्ड, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग स्टेप्स आप कह सकते हैं। जस्ट टू पील दिस लेबल ऑफ एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग एट द सेम टाइम। यू कैन सी ब्रश्ड कॉपर मेटल, इंतहाई डिसेंट, 4 हीट पाइप के साथ। अब इसको हम फिक्स करेंगे अपने इस प्रोसेसर के ऊपर आफ्टर अप्लाइंग MX5 थर्मल पेस्ट। लेकिन बिफोर वी फिक्स, ऑल्दो वी हैव यूज्ड अ ब्रांड न्यू प्रोसेसर, लेकिन हम इसको एक सॉफ्ट टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई भी फिंगरप्रिंट, स्मज, डस्ट, डर्ट वगैरह कुछ ना हो। और अब इस पे इंस्टॉल करते हैं थर्मल पेस्ट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आर्कटिक आइस MX5 ओरिजिनल थर्मल पेस्ट मौजूद है, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो ये है जी MX5 और यहाँ पे स्पैचुला की मदद से इसको हम अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले सूटेबल क्वांटिटी के अंदर हम इस पे स्ट्रेटेजिकली इसको प्लेस कर लेते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि आई थिंक सो दिस मच क्वांटिटी सफिशेंट एनफ। और अब इस स्पैचुला की मदद से इसको इवनली हम स्प्रेड करेंगे खुद, ताकि इसका एक इवन कोट हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा थिक और डेंस पेस्ट है ये, दैट्स वाई ये टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने में बहुत ही सूटेबल है। और सामने आप देख पा रहे होंगे कि वी हैव इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इट। अब इसके ऊपर जो है ये CPU कूलर को माउंट करते हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे कि इट हैज़ बीन प्रॉपरली फिक्स्ड अप टू इट्स मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इट कैन विदस्टैंड। तो परफेक्टली ये फिक्स हो चुका है अपनी जगह पे। अब इसका फ़ैन जो है इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कूलर मास्टर CPU कूलर का फ़ैन जो है इट हैज़ बीन फिक्स प्रॉपरली। और अब हम बढ़ते हैं, इसकी केबलिंग और कनेक्शंस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा और बाकी प्रोसेस आपको भी दिखाते हैं। जैसे कि वीडियो के दौरान आपको बताया गया था कि हमने इस PC बिल्ड के अंदर दो चेंजेस किए हैं, जो कि एक तो आपको मेंशन कर दी गई है विच वाज द इंस्टॉलेशन ऑफ कूलर मास्टर CPU कूलर रादर दैन GW900। एंड द सेकंड चेंज जो है वो ये है कि हमने 4 TB हार्ड ड्राइव की जगह यहाँ पे WD Black 2 TB जो है इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं, जिसकी 64 MB कैश मेमोरी है 7200 RPM के साथ। एक इंतहाई ज़बरदस्त ड्राइव है ये, तो इसको आप देख पा रहे होंगे। इसको अब हम हार्ड ड्राइव केज के अंदर जो है वो फिक्स करते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हार्ड ड्राइव केज। तो चलिए ड्राइव फिक्स करते हैं और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह इसके कनेक्शंस और बाकी केबल मैनेजमेंट करते हैं। नाउ द मॉन्स्टर हैज स्टार्टेड टू टेक इट्स प्रॉपर शेप। तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हार्ड ड्राइव जो है इसको केज में फ़िक्स करने के बाद सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। अब इसकी करते हैं केबलिंग, SATA कनेक्टर्स, डाटा केबल्स ETC और पूरे सिस्टम की जो केबल मैनेजमेंट है अब इंशाल्लाह इसको परफॉर्म किया जाएगा। कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसके बाद का जो सेटअप है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तमाम कनेक्शंस जो हैं दे हैव बीन प्रोवाइडेड। और इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर के साथ, वेल मैनेज्ड केबल्स के साथ ये हमारा सिस्टम ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुका है। और ये है अब तक इसकी ओवरऑल लुक जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ इज़ ऑलमोस्ट नियर बाय। आई वांट टू से कि यहाँ पे इस सिस्टम को जो है वो पावर ऑन टेस्ट के लिए अब हम लेके चलते हैं। और इससे पहले दूसरी जानब से भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम नेसेसरी कनेक्शंस, पावर, ईच एंड एवरीथिंग हैव बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये है हमारे सिस्टम की दूसरी जानब से लुक। स्टिल द केबल नीड टू बी मैनेज प्रॉपरली, लेकिन इसका पहले पावर ऑन टेस्ट किया जाएगा एंड लेटर ऑन इन केबल्स को मैनेज किया जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको बताते चलें कि सामने जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट जो केबल टाइज़ हैं इनकी मदद से काफ़ी हेल्प हुई है प्रॉपरली केबल्स को सेटल करने में। सो दीज आर कनेक्शंस अप टू नाउ। तो चलिए इसको टेस्टिंग टेबल पे ले चलते हैं और इसको एंड रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम जो है इसको हमने टेस्टिंग टेबल पर ले आए हैं और इसके साथ तमाम नेसेसरी कनेक्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड। और ये आप टॉप सरफेस देख सकते हैं इसकी, ये इसकी बैक साइड लुक है इस टाइम तक। ये है इसका राइट साइड और ये है इसका फ्रंट साइड। ये आप इसके अंदर का सेटअप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और अब इसको पावर ऑन करते हैं अल्लाह का नाम लेके। यहाँ से इसको पावर ऑन करेंगे और इस जानिब जो है ये आप फ्रंट पे टॉप पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ बटन्स हैं जिसमें पावर बटन भी मौजूद है। तो चलिए इससे इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। ये सामने जो आप इफ़ेक्ट देख पा रहे हैं, इस इफ़ेक्ट की वजह से इस केसिंग को जो है वो ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। और इस जानिब आप ARGB स्ट्रिप भी देख पा रहे होंगे सामने, बहुत ही खूबसूरत डिसेंट इसका फ्रंट है। और इस जानिब जो है ये सामने आप कॉर्सेयर वेंजेंस RGB प्रो देख पा रहे हैं, साथ ही कूलर मास्टर का फ़ैन, ये एग्जॉस्ट फ़ैन है। और इस जानिब जो है वो मदरबोर्ड के बैक एंड पे जो लाइट्स हैं वो भी ऑन हैं। ईच एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी वर्किंग वेरी परफेक्टली। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, चूँकि हमने इनको सेम ARGB हेडर्स के साथ तमाम फ़ैन्स को कनेक्ट किया है, तो यू कैन सी कि तमाम चारों फ़ैन्स का जो कलर है वो एक साथ चेंज हो रहा है। और इस जानिब जो है यहाँ पे इसका डिस्प्ले आ चुका है। ये है हमारी काफ़ी घंटों की लगातार मेहनत का निचोड़, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। परफेक्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम जो है स्टार्टेड टू वर्क इन अ वेरी परफेक्ट वे। और अगर आप चाहें तो आप भी TGS द गेमिंग स्टोर से ऐसा ही PC जो है वो बनवा सकते हैं। और ड्यूरिंग दिस बिल्ड आपको ये भी बताया गया था कि ये PC जो है इट्स फॉर सेल, और अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ मज़ीद लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको दूसरी जानिब से फ्रंट पैनल की इनर साइड से भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो एक डिफरेंट ट्रांजिशन देख पा रहे होंगे, जिसको डेफिनेटली ASRock पॉलीक्रोम सिंक के साथ हम इन चारों फैंस का कलर जो है, इनकी टोन जो है, उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हाउ द ब्यूटीफुल फैंस आर सिंक्रोनाइज विद ईच अदर। और यहाँ पे कॉर्सेर वेंजेंस RGB प्रो की गॉर्जियस रैम्स अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे पल्सेटिंग इफ़ेक्ट्स के साथ RGB कलर छोड़ते हुए, और चारों फैंस आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज़ हो चुके हैं। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं जो आपने, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि TGS द गेमिंग स्टोर पे जितने भी PC तैयार होते हैं उनको इंतहाई ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क के साथ तैयार किया जाता है। एंड यू कैन बी श्योर ऑफ द फैक्ट वाइल ऑर्डरिंग कि आपका सिस्टम जो है यहाँ पे वो एक बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, इंतहाई ऑनेस्टी के साथ जो है वो तैयार किया जाएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग्स एंड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।